जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए 23 मार्च का से कंसेप्ट में एमपीटेड वर्ग 3 का एनालिसिस। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो चलिए देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रबलन सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रबलन सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? तो सही आंसर था आवश्यकता की पूर्ति, विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर था। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण, शक्ति का विकास होता है खालिस्तान की आयु में, कितने वर्ष की आयु में इन सब का विकास होता है? तो सही आंसर था 11 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के रचयिता कौन है? ये पुस्तक पूछी गई थी और इसकी रचयिता पूछा गया था, तो राइट आंसर था कि हिलगार्ड यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि डिसलेक्सिया का संबंध है, किससे संबंधित है डिसलेक्सिया? तो क्वेश्चन नंबर 4 था और ये संबंधित है पढ़ने की अक्षमता से, विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, पके हुए आमों या मिष्ठान को देखकर बालक के मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा सिद्धांत है? तो आपका राइट आंसर था संबंध सहज क्रिया सिद्धांत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 पूछा गया, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, कथन किसका है? ये कथन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कथन पूछा गया था, ये कथन माना जाता है किनका? हरलोक का ये कथन माना जाता है, विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, प्रतिभाशाली बालक अन्य लोगों का आदर करते हैं चढ़ाते नहीं, ये कथन किसका है? टर्मन, विटी, मन, स्टन। तो राइट आंसर था बिटी का ये कथन है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, प्रतिभाशाली बालिकाएं विद्यालय जाने से पूर्व ही घर पर पढ़ना लिखना सीख जाती हैं, ये कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था, ये कथन माना जाता है टर्मन का, विकल्प नंबर एक यहाँ पर सही आंसर है। बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह, क्या होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? बालक सृजनात्मक योग्यता रखता है यदि वह जिज्ञासा बस प्रश्न पूछता है, तो विकल्प एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है, किस में मदद करता है ये पूछा गया, तो राइट आंसर है शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। और व्यक्तिगत भिन्नताओं के अध्ययन के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, ये विधि बताना था कि कौन सी विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है, तो 11 का सही आंसर था उपर्युक्त तीनों, ये तीनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 पूछा गया, बुद्धि परीक्षण करके सर्वप्रथम व्यक्तिगत भिन्नताओं का मापन किसने किया है? ये आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12 है और सही आंसर था बिनी, विकल्प नंबर एक आपका भी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव सृजन विज्ञान के अध्ययन में कौन अधिक इच्छुक है? बताइए मानव सृजन विज्ञान के अध्ययन में कौन अधिक इच्छुक था? तो पूछा गया था, तो राइट आंसर था गॉल्टन यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, जब नियम भंग में कानून तोड़ने का दोष शामिल होता है तो उसे क्या कहते हैं? आचरण विकृति, अपराध, समस्या या कोई नहीं? तो सही आंसर है, उसको बोलते हैं अपराध। क्या बोलते हैं? अपराध आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, बाल निर्देशन विधि का सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ? इंग्लैंड में, जापान में, रूस में, जर्मनी में? तो सही आंसर था, सर्वप्रथम इसका जो प्रारंभ हुआ था इंग्लैंड और अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 16 पूछा गया कि सृजनात्मकता का उच्चतम विकास किस आयु में होता है? तो 16वां क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था और राइट आंसर था 30 वर्ष आपका राइट आंसर है। व्यक्तिगत भिन्नता निम्नलिखित में पाई जाती है, किस में पाई जाती है बताइए? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर था कि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम किसने व्यक्तिगत भिन्नता का समर्थन किया है? गॉल्टन ने, बिनी ने, कैटेल ने, वैसेल ने? तो सही आंसर था विकल्प नंबर एक यानी कि गॉल्टन राइट आंसर
था। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि व्यक्तिगत भिन्नता मापन के लिए किन परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। वह परीक्षण आपसे पूछे गए थे किन परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, तो प्रयुक्त सभी परीक्षण यहाँ पर जो दिए गए हैं इन सभी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, 20। व्यक्तिगत भिन्नता का तात्पर्य किन्हीं दो व्यक्तियों के व्यक्तित्व क्रियाओं में अंतर से है, 100% सत्य, 50% सत्य, असत्य या ज्ञात नहीं। तो 100% सत्य आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 23 मार्च को। सेकंड सेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।